नमस्ते, सरोज किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही सिंपल स्नैक्स आइटम बनाने वाले हैं। हमें अक्सर चटपटी नमकीन खाने का मन करता है, खासकर चाय के साथ, लेकिन हर बार बाजार की नमकीन खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे में हम घर पर ही बनी ये मुरमुरा नमकीन खा सकते हैं, और इसी मुरमुरा नमकीन का इस्तेमाल करते हुए हम इंस्टेंट भेल और सूखा भेल भी बना सकते हैं। और अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। इंस्टेंट भेल में हमने जिन दो चटनियों का इस्तेमाल किया है वो अपने ही आप में बहुत हेल्दी है। एक तो है गुड़ व अमचूर की बनी मीठी चटनी, और दूसरी है धनिया, पुदीना और करी पत्ते की हरी चटनी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं मुरमुरा नमकीन। तो सबसे पहले मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख ली है, और यहाँ पर एक प्याला मैंने कच्ची मूंगफली ली है। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे थोड़ा तेल डाल के भी इसे सेक सकते हैं, या मूंगफली को आप तल भी सकते हैं, लेकिन हम आज इसको ड्राई रोस्ट ही करेंगे। तो इस समय हम गैस की फ्लेम लो टू मीडियम कर लेंगे ताकि इसका सारा कच्चापन निकल जाए और ये अच्छी तरह से सिक जाए। और मूंगफली को हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं। तो ध्यान रहे, मूंगफली को हमें लगातार ही चलाना है। अगर हमने इसे इस तरह से छोड़ दिया तो ये नीचे जल भी सकती है, और जली हुई स्मेल इसमें अच्छी नहीं लगेगी मुरमुरा नमकीन में। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि इसे हमें लगातार ही चलाते रहना है। तो स्लो फ्लेम पर इसे हमने 3 से 4 मिनट भून लिया है। अभी अच्छी तरह से सिक चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये सिक चुकी है। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे इस समय, और इसे हम खाली कर लेंगे। गैस पर हमने फिर से वही कढ़ाई रख ली है, सेम कढ़ाई। अब इसमें हम थोड़ा तेल डाल देंगे। तो करीब 4 बड़ी चम्मच मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया है। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाए तो आधी छोटी चम्मच हम राई की इसमें डाल देंगे। राई जब चटकने लग जाए तो सबसे पहले हम इसमें करी पत्ते डाल देंगे। तो इस तरह से थोड़ा करी पत्ता डाल देंगे हम। मैंने यहाँ पर एक हरी मिर्च ली थी, उसे इस तरह से बारीक टुकड़ों में मैंने काट लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और जो मूंगफली हमने सेक कर रखी थी वो इससे में हम इसमें मिला देंगे। करी पत्ता, हरी मिर्च अच्छी तरह से भून चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल इनमें कच्चापन नहीं है। अब इस समय हम यहाँ पर सबसे पहले हल्दी डाल देंगे। हल्दी हमें पहले ही डालनी है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसमें। करीब आधी छोटी चम्मच मैंने हल्दी की डाल दी है। हल्दी को भी थोड़ा सा पका लेंगे हम, करीब 15 से 20 सेकंड के लिए। और यहाँ पर मैंने मुरमुरा लिया है, करीब 300 ग्राम ये मुरमुरा है। इसे एक बार अच्छी तरह से छलनी से आप छान लीजिए, साफ कर लीजिए, फिर हम इसमें डाल देंगे। तो अब इसमें हम ये डाल देंगे सारा। अब यहाँ पर हम थोड़ा नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। तो एक चम्मच तो मैंने डाल दिया है, करीब आधी छोटी चम्मच और डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर हम डाल देंगे। लाल मिर्च भी मैंने यहाँ पर 1.5 छोटी चम्मच डाल दी है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से सेट कर लीजिए, और इसे हम फटाफट से हिला लेंगे। गैस की फ्लेम हम इस समय स्लो पे ही रखेंगे। तो इस तरह से फटाफट हम इसे हिला लेंगे, गैस की फ्लेम स्लो ही रखेंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं। आप देख सकते हैं सब तरफ से इसमें अच्छी तरह से हल्दी का कलर आ चुका है, सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। तो इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है, तो ये मुरमुरा नमकीन बनकर एकदम तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब इसे हम एक एयरटाइट कंटेनर में रख देंगे, और ये लंबे समय तक भी चल सकता है। तो ये मुरमुरा नमकीन बनकर एकदम ही तैयार है। इसको हम और एक तरीके से खा सकते हैं। तो एक प्याले में हम थोड़ा सा ये मुरमुरा ले लेंगे, और इसमें हम कोई भी नमकीन डाल देंगे, जो भी अपने घर पे अवेलेबल है वो थोड़ी सी नमकीन इसमें हम डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और इसके साथ एक कप चाय गर्मा गर्म मिल जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए। और जो चाय पीने के शौकीन है उसके साथ अगर नमकीन खाने का उनको शौक है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। तो इसे इस तरह से भी खा सकते हैं, बिल्कुल सूखा भेल बोलते हैं इसको, तो इसे इस तरह से भी खाया जाता है, इसे हम सूखा भेल कहते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में ये बहुत ही चलन में है। तो ये नमकीन भी बनकर एकदम ही तैयार है। अब इसी मुरमुरे नमकीन की हम एक इंस्टेंट भेल बनाएंगे, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो इंस्टेंट भेल बनाने के लिए सबसे पहले हम हरी चटनी पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पुदीना लिया है, थोड़े से हमने धनिया पत्ती लिए, दो हरी मिर्च लिए और इसमें हमने काफी सारा करी पत्ता लिया है। इन सबको हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे। तो एक मिक्सी का जार ले लेंगे, सबसे पहले पुदीना डाल देंगे हम इसमें, थोड़ा सा ये धनिया डाल देंगे इस तरह से तोड़ के। करी पत्ता डाल देंगे, मिर्ची को भी हम इस तरह से तोड़ लेंगे। एक छोटी चम्मच नींबू का रस इसमें हम डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे चौथाई चम्मच, थोड़ा सा जीरा हम इसमें डाल देंगे। अब ढक्कन लगा देंगे और हम इसे बारीक पीस लेंगे। तो अब हम इंस्टेंट भेल बना लेंगे। उसके लिए मैंने एक बर्तन लिया है और जो ममरा नमकीन हमने बना के रखी थी उसमें हम थोड़ी सी इसमें डाल देंगे पहले। और ये जो हरी चटनी अभी हमने पीस के रखी थी वो सबसे पहले हम इसमें मिला लेंगे। पीसते टाइम मैंने इसमें कम से कम 4 से 5 चम्मच पानी डाल दिया था ताकि अच्छे से पीस जाइए। तो चटनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। थोड़ी मीठी चटनी डाल देंगे, ये गुड़ और अमचूर की चटनी है, ये ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। थोड़ा सा ये जीरावन पाउडर है, ये मार्केट में बड़ी आसानी से अवेलेबल है, आप ये डाल दें, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज है वो इसमें मैं डाल दूंगी। एक छोटा सा टमाटर हमने लिया है उसे भी बारीक कट कर लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसी तरह से बारीक कटी हुई ककड़ी भी हम डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल देंगे, बहुत कम 1 से 2 पिंच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी नमकीन है, नमक मिर्च इसमें ऑलरेडी मिक्स है। और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सबको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे हम। आप इस समय और भी कोई मसाला अगर इसमें डालना चाहते हैं तो और भी डाल सकते हैं जिससे और भी टेस्टी बन जाइए। वैसे तो ये सारे मसाले इसमें हैं, अपने आप में बहुत टेस्टी है ये। साथ ही हम इसमें कोई एक बारीक नमकीन डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी नमकीन और डाल देंगे ऊपर से हम। और अब ये बनकर एकदम ही तैयार है। तो हमने इसी तरह से मुरमुरा नमकीन बना ली है और उसी मुरमुरा नमकीन से हमने इंस्टेंट भेल बनाई है और सूखा भेल भी बना लिया है। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।